बच्चों ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको नहीं बताई थी। चैप्टर नंबर 2 में अगर आप आओ ना तो चैप्टर 2 का नाम था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अगर आप उसमें आओ तो रियल नंबर की मैंने ऐसे प्रॉपर्टीज जहां तक मुझे याद आता है मैंने डिस्कस नहीं की थी। मैंने ऐसे डिस्कस नहीं की थी। 2.1 का वो टॉपिक था मैंने छुड़वा दिया था। मैंने कहा मैं चैप्टर 5 के साथ होकर करवाऊंगा क्योंकि दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है। रियल नंबर में जो प्रॉपर्टीज है वही आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो तो एक ही बारे में बता रहा हूं। तो ये जुमले आप काफी सुनोगे, प्रॉपर्टीज काफी सुनोगे तो आपको पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ना बच्चों वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। बुक ने क्लोजर के नाम से इधर मेंशन नहीं की हुई, चैप्टर 2 में मेंशन की हुई है क्योंकि वही बात है जब उन्होंने बाइनरी ऑपरेटर डिस्कस किया है ना और बाइनरी ऑपरेटर की जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है तो उसका मतलब वही है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, मतलब अगर कोई सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तभी आप उस ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर कहोगे। ठीक है तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो अलग से मैंने आपको बता दी है कि इसको लिखने में वैसे इस तरह आप लिखते हो, मैं मेंशन कर देता हूं कि प्रॉपर्टीज में अगर आपने क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को आप इस तरह डिफाइन करते हो। हम दूसरा पेन भी यूज कर लेते हैं साथ। अच्छा खैर तो फॉर एग्जाम्पल आपने इस चैप्टर में ना आप सेट जो कंसिडर करते हो, एक तो होते हैं यार मशहूर सेट नेचुरल नंबर इंटीजर ये सब होते हैं, एक होते हैं रैंडम डिफाइन किए हैं तो ज्यादातर उसका नाम एस रखा होता है या कभी कैपिटल जी रखा हुआ होता है। कैपिटल जी यहाँ पे नहीं रखेंगे, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है वहां पे आप जी यूज कर रहे होते हो। नॉर्मली अगर सेट कंसिडर करते हैं ना वो एस ही कंसिडर कर रहे होते हैं। तो कंसिडर कर लो बच्चों यहाँ पे मैं पहले मेंशन कर देता हूं कि एस जो है एस एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है और स्टेरिक एक ऑपरेटर है और इसको आप बाइनरी ऑपरेटर कंसीडर कर लेते हो लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर अलग से आप लोगों को बता रहा हूं तो अभी इसको एज अ ऑपरेटर ही हम कंसीडर करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपने कोई भी दो एलिमेंट उठाए सेट से, इसको लिखते किस तरीके से हो आप लिखते इस तरीके से हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने ए उठाया आपने बी उठाया और इनको आपस और वेयर आगे आप लिखते हो फॉर ऑल A, B belongs to S, ये सेट के सिंबल्स हैं। उल्टे A का मतलब फॉर ऑल, इसका मतलब belongs। कहने का मतलब है कि जो A, B आपको नजर आ रहा है ना वो मैंने उठाया है सेट S के अंदर से। तो मैंने सेट S के कोई भी दो एलिमेंट उठाए उनको आपस में ऑपरेट करवाया। अब ये जो ऑपरेटर है वो जनरलाइज है, एडिशन भी हो सकता है मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है और कोई रैंडम ऑपरेटर भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है तो ये ऑपरेटर जनरलाइज बात की जा रही है। ऑपरेटर का ये सिंबल भी नजर आएगा आपको, कहीं आपको ये वाला नजर भी आएगा, इस तरह भी लिखे होते हैं। ठीक है ये जनरलाइज ऑपरेटर है, आप कुछ भी इसको लिख सकते हो। ज्यादातर स्टैटिक मशहूर है तो मैं स्टैटिक ही लिखवा देता हूं कि आपने कोई दो एलिमेंट उठाए सेट एस के ए और बी और उनको आपस में ऑपरेट करवाया और जो रिजल्ट है अगर वो भी बिलोंग कर रहा है एस से तो इसको आप कहते हो क्लोजर प्रॉपर्टी। कि आपने ए और बी उठाए सेट एस से उनको आपस में ऑपरेट करवाया, ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी बिलोंग कर रहा है एस से तो इसको आप बोलोगे क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी दो एलिमेंट उठाए ऑपरेट करवाया रिजल्ट भी उस सेट के अंदर से आ रहा है तो ये कहलाई जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। और इसी को बुक ने बाइनरी ऑपरेटर के सेंस में बात कर दी है क्योंकि जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी तो उसका मतलब जो स्टेरिक है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है। तो दैट्स व्हाई बाइनरी ऑपरेटर के सेंस में उन्होंने बात बताई थी तो अलग से क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर डिस्कस नहीं की गई। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है तो सबसे पहले तो आपने क्लोजर देख लिया, उसके मैं तरतीब से बता रहा हूं। बुक की तरतीब को तो मैं ऐसे फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि बुक ने मेरे ख्याल में कम्यूटेटिव पहले बताई दी सबसे पहले। हाँ तो बाद में डिस्कस कर लेंगे वो। दूसरी प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो है एसोसिएटिव। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों बहुत ईजी होती है। इसके लिए आपको तीन एलिमेंट चाहिए होते हैं। आपने कोई भी तीन एलिमेंट उठाए फॉर ऑल A, B, C belongs to S, आपने जो सेट S है ना इसे कोई भी तीन एलिमेंट उठा लिए, अगर ये चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं किस चीज को, कि अगर आप A को ऑपरेट करवाओ B से और जो रिजल्ट आए उसको ऑपरेट करवाओ C से, ये चीज बराबर हो कि पहले आप B और C को ऑपरेट करवाओ जो रिजल्ट आए उसको ऑपरेट करवाओ A से, अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो आप इसको बोलोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली है कि आपने पहले किसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो पहले ए और बी को सॉल्व किया हुआ है, जो रिजल्ट आया उसको सी से सॉल्व किया हुआ है, जबकि राइट हैंड साइड में पहले बी और सी को सॉल्व किया हुआ है, जो रिजल्ट आया उसको ए से सॉल्व किया हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ऑलमोस्ट सारे सेट हर ऑपरेशन के हिसाब से एसोसिएटिव होते हैं। मैं ऑलमोस्ट की वर्डिंग यूज कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मसला हो जाता है, डिवीजन आमतौर पर मसला कर रहा होता है नेचुरल नंबर के अंदर ये सब, लेकिन ऑलमोस्ट सारे सेट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। मैंने तो यहां पॉइंट्स लिखे हुए, पहले मैं बुक से बता देता हूँ। बुक में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नीचे मेंशन किया है कौन कौन से ऑपरेटर, ऑपरेटर ये मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन से सेट सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते किसी ऑपरेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 143 में चीजें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिखा हुआ, एग्जाम्पल 1 एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव ऑन, अच्छा क्यू प्लस, सबसे पहले लिखा हुआ क्यू प्लस, क्यू जो है वो रैशनल नंबर के लिए आप यूज करते हो, और अगर प्लस डाल दें तो प्लस का मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर। फिर आगे लिखा हुआ रियल नंबर आर, फिर आगे लिखा हुआ एन नेचुरल नंबर, फिर आगे सी लिखा हुआ, उसके दरमियान एक लाइन डाली हुई, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर आप कहते हो। ठीक है, तो जो एडिशन मल्टीप्लीकेशन है ये एसोसिएटिव है, पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर, रियल नंबर के अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, सबके अंदर एडिशन मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है। पॉजिटिव रैशनल नंबर, देखो मल्टीप्लीकेशन जो है ना ये हो गई, एडिशन हो गई, ये मसला आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कभी भी नहीं करता। मसला जो कर रहा होता है ना वो डिवीजन आमतौर पर कर रहा होता है, तो वो मैं आगे आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा। तो आप इवन क्यू पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, आप क्यू ओवरऑल कंसीडर कर लो, कोई भी रैशनल कंसीडर कर लो क्यू, तब भी वो एडिशन मल्टीप्लीकेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। और नेचुरल नंबर और ये तो सब एसोसिएटिव होते हैं, एसोसिएटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई दो नेचुरल नंबर, तीन नेचुरल नंबर उठाए, फॉर एग्जाम्पल आपने टू उठा लिया, आपने फाइव उठा लिया, आपने सेवन उठा लिया, और आप ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हो, तो पहले तो आप इस तरह कर दो, बाद में ब्रैकेट लगाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे पहले इन दो को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड पे पहले इन दो को सॉल्व करो, और देखो क्या चीजें बराबर है। 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है 35, 10 मल्टीप्लाई 7 70, 2 मल्टीप्लाई 35 70, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, लेफ्ट हैंड राइट साइड के बराबर है। तो मैंने बताया ये ऑपरेटर आपको मसला नहीं करते, मसला कौन कर रहा है, लिखा हुआ डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट एसोसिएटिव ऑन क्यू प्लस फॉर इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉजिटिव रैशनल नंबर कंसीडर करो, ठीक है, और आप डिवीजन करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, पॉजिटिव रैशनल नंबर में आप फ्रैक्शन भी कंसीडर कर सकते हो, मतलब रैशनल नंबर की अगर बात की जा रही है तो फ्रैक्शन भी उसके अंदर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं 1/2, और यहां पर नंबर कंसीडर करते हैं 3, और फॉर एग्जाम्पल हम 3/2 कर लेते हैं, और हमने डिवाइड करना है, यहां भी करो, ठीक है, तो यहां पे पहले इन दो को सॉल्व करो और यहां पे फिर इन दो को सॉल्व करो, देखो क्या आंसर बराबर हो रहा है। सबसे पहले 1/2 डिवाइडेड बाय 3, बचपन में आप पढ़ते थे कि अगर 1/2 डिवाइड हो रहा है 3 से तो डिवीजन को हटा के आप मल्टीप्लीकेशन लगा दो, और जब मल्टीप्लीकेशन को हटाओगे तो यहां पर जो भी चीज है रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, यहां पर 3 था 1/3 कर दो। तो कहने का मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 3 इज सेम कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, तो आंसर क्या होगा 1/6, तो यहां पे 1/6 आ गया, इसको डिवाइड करना 3/2 से। इसी तरीके से 3 को डिवाइड करो 3/2 से, वही मैंने बताया उल्टा कर देना 3 × 2/3, तो 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2/3 से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट 2, इसको डिवाइड करना 1/2 से। अब आखिरी स्टेप है 1/6 को डिवाइड करो 3 से, सेम लाइक कि 1/6 को मल्टीप्लाई करो 2/3 से, तो 2 × 2 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है 9 1/9, और 1/2 को डिवाइड करो 2 से, मतलब मल्टीप्लाई करो 1/2 से, यहां पे आंसर आ रहा है 1/4, इसका मतलब ये तो आपस में बराबर नहीं आ रहे, तो वही कि डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। इसी तरह नेचुरल नंबर के अंदर भी अगर कंसीडर करो तो नेचुरल नंबर के अंदर डिवीजन मेथड में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 कंसीडर किया, 3 कंसीडर किया, 5 किया, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, डिवीजन भी नहीं होगी, लेकिन पहले मैंने डिवीजन चेक किया, सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर लेते हैं। डिवीजन आप करो तो नहीं होगा, 1/3 फिर डिवाइड करोगे 5 से तो ये हो जाएगा 1/15, और 3/5 करो ये हो जाएगा 3/5, उसको ऑपरेट करवाओगे 1 से तो 1/5/3, हाँ मुझे नहीं लगता कि सेम आ रहा है, चलो मैं बता देता हूं, बात शुरू हो गई है तो पता चल जानी चाहिए, ये हो जाएगा 1/3, इसको डिवाइड करना है 1/5 से, सॉरी 5 से डिवाइड करना है मतलब मल्टीप्लाई करना 1/5 से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आ रहा है 1/15 का, इस चीज का अगर आप सॉल्व करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है 1/15, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह करो 3/5/1, ये राइट हैंड साइड होगी, तो 3/5 क्या होता है 3/5,
वन डिवाइड बाय फाइव का मतलब वन मल्टीप्लाई बाय फाइव अपॉन थ्री। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, फाइव अपॉन थ्री, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। तो नेचुरल नंबर के अंदर भी ये बात फॉलो हो रही है। सब्ट्रैक्शन अगर आप डिस्कस करना चाहो तो वन माइनस थ्री माइनस फाइव, वन माइनस थ्री माइनस फाइव, पहले इधर ब्रैकेट लगाओ फिर आप यहां ब्रैकेट लगाओ। तो वन माइनस थ्री क्या होता है बच्चों, माइनस टू, ठीक है। इसी तरह थ्री माइनस फाइव क्या होगा, माइनस टू, और बाहर आपने मतलब अंदर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है और बाहर आपने माइनस उसका कंसीडर। अच्छा इस माइनस को अंदर नहीं ले लेना, ये अभी आप ये समझ लो एरिथमेटिक डिस्कस, नहीं एरिथमेटिक भी नहीं है ये, जो माइनस है ना ये ऑपरेटर इन दो के दरमियान है, जबकि माइनस इन दो के दरमियान है। तो इन दो को आपने सॉल्व किया, रिजल्ट माइनस टू आया, इस माइनस को इसे मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा वन प्लस टू, और यहां पर सॉल्व करो इसका माइनस टू इसका माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस सेवन, और इसको सॉल्व करना ये हो जाएगा थ्री। तो आपने देख लिया भाई ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते। इसी तरीके से अगर आप देखो लिखा हुआ मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, किसी भी आप मैट्रिक्स को तीन मैट्रिक्स आप पिक करो उनको आपस में एड करो तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। ए प्लस बी को सॉल्व करो फिर उसको एड करो सी के अंदर, या पहले आप बी और सी को ऐड करो फिर उसको ऐड करो ए के अंदर, ये बराबर होते हैं। लेकिन बुक ने मेंशन किया हुआ बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन एम एन, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इस चीज से मुझे इख्तलाफ है। मैट्रिसेस के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, और मैं आपको बताऊं ये इन्होंने चैप्टर नंबर, मुझे नहीं पता कि जुमले का मतलब इन्होंने क्यों इस तरह लिखा जुमला, कोई मिस्टेक होगी है क्या मसला है, क्योंकि सेम चीज इन्होंने चैप्टर नंबर फोर के अंदर लिखी हुई है। चैप्टर नंबर फोर है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं और फिर बता भी देता हूं कि इससे क्यों सेटिस्फाई होती है। ये अगर आप आओ ना पेज नंबर मतलब 4.1 से पहले आना है, हाँ पेज नंबर 96-97 पे आओ। तो सेम लिखा हुआ है इफ मैट्रिसेस ए बी सी आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन। देखो मैट्रिसेस में वही जो मैंने शर्त बतानी थी, पहले तो हमने जो मैट्रिसेस अभी कंसीडर की थी ना थोड़ी देर पहले वो एम थ्री कंसीडर की थी, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, तो उसमें जो मल्टीप्लीकेशन की शर्त होती थी ना वो तो लाजमी सेटिस्फाई हो रही थी, क्योंकि दोनों का ऑर्डर 3/3 था तो मल्टीप्लाई आराम से हो जाएंगे, इसी तरह दोनों ऐड भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जनरलाइज स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस करो एम बाई एन, वेयर एन कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक 2/2 की मैट्रिक्स भी हो सकती है, 3/3 की भी हो सकती है, 4/4 की भी हो सकती है, 1/1 की भी हो सकती है, जनरलाइज मैट्रिसेस कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहली बात कि उनमें मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो, ये आप मेक श्योर कर लो। तो अगर आपने मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल करवानी है तो लाजमी फिर बात है कि आपने सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरलाइज स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस करो तो अगर 2/2 की मैट्रिक्स को 3/3 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, 4/4 को 5/5 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो आपको सेम ऑर्डर ही करनी पड़ेगी। तो शर्त ये होती है मैट्रिसेस के अंदर कि अगर उनमें एडिशन पॉसिबल है उसके बाद आप कंसीडर करोगे। तो अगर एडिशन या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो क्या वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होते हैं। और ये मेंशन किया उन्होंने, ये पेज नंबर 97 पे सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई ए बी सी, मतलब ए बी को सॉल्व करो और मल्टीप्लाई सी से करो, ये बराबर है कि पहले बी सी को करो फिर ए से करो, और ये तीनों चीजें बराबर हमने ए बी सी कर दी है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता जिस ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो सेम यहां पर उन्होंने पता नहीं क्यों एसोसिएटिव ने लिखा, लेकिन ये चीज फॉलो होती है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स में आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स पिक करो 3/3, 3/3, 3/3, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप जिस ऑर्डर में भी उनको मल्टीप्लाई करो, पहले ए बी को सॉल्व करो या आप पहले बीसी को सॉल्व करो, लेकिन जो रिजल्ट है वो सेम ही आ रहा होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता उन्होंने वर्डिंग क्यों लिखी हुई है, क्योंकि इसमें इंप्लॉयड होता है कि एडिशन मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो, क्योंकि अगर कोई यहां पे ये बोले कि सर शायद उन्होंने इसलिए लिखा हो क्योंकि हर एन बाई एन के दरमियान मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है ना, 2/2 को 3/3 से नहीं कर सकते तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो फिर एडिशन भी नहीं होनी चाहिए, फिर 2/2 को 3/3 में एड कर सकते हो नहीं, तो उसका मतलब एडिशन भी बोलता है एसोसिएटिव नहीं है, ये बात नहीं है। एसोसिएटिव के अंदर जब भी हम मल्टीप्लीकेशन या एडिशन की बात करते हो मैट्रिसेस के सेंस में, तो सबसे पहली चीज होती है कि उनमें पॉसिबल हो। अच्छा अगर पॉसिबल है उसके बाद आप चेक कर रहे होते हो क्या वो एसोसिएटिव है, क्या ये ऑर्डर मैटर कर रहा है, नहीं। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है कमोटेटिव, मैं आगे डिस्कस करूंगा, मैट्रिसेस कमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एडिशन में करती है मल्टीप्लीकेशन में नहीं कर रही होती। आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, अगेन वही बात कि इंप्लाइड क्यों मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ये पहली चीज मेरा बताएंगे, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से करो, जनरली ये बात ठीक ही नहीं होती, ए बी बी ए के बराबर जनरली नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि ए और बी आपस में बराबर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, तो तब ए बी बी ए के बराबर हो जाएगा, ये स्पेसिफिक कंडीशन है, जनरली ये फॉलो नहीं होती। ए बी
ए और बी आपस में बराबर हो तभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। अच्छा दूसरी कंडीशन ये होगी फॉर एग्जांपल इनमें से कोई एक आइडेंटिटी हो, फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो फिर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मैं अभी आगे प्रॉपर्टी आप लोगों को बताऊंगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कि मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में ए ही आता है। तो उस वाले सीन में आपने देखोगे कि ए आई इज इक्वल टू आई ए, तो वहां पे आपको प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नजर आ रही होगी। लेकिन ये स्पेसिफिक केस है कि बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या ए और बी आपस में बराबर है या अगर इनवर्स है तब भी ये बात फॉलो हो रही होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर बी जो है वो इनवर्स है ए का तो आपको पता ऑटो मैटर नहीं करता, आप ए ए इनवर्स लिखो या इनवर्स ए लिखो दोनों के रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है उसको छोड़ो, लेकिन असल चीज ये कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन ये वो कंडीशन है जो स्पेसिफिक कंडीशन है, जनरली जो मैट्रिसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो कमोटेटिव नहीं होते, वहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा होता है ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है उसको आप आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हो या एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी एलिमेंट को कंसिडर करते हैं कि अगर कोई सेट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्रॉपर्टी का मतलब उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए किसी भी सेट के अंदर, मतलब ये को ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है बस ये कि आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट के अंदर होना चाहिए, अगर है तो बस बात कंप्लीट हो जाएगी इसके अंदर आइडेंटिटी है। अब सवाल है कि आइडेंटिटी क्या होता है, अगेन चैप्टर टू में मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में, आप रियल नंबर के सेंस में भी समझ सकते हो। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी बच्चों का एलिमेंट होता है जब आप किसी नंबर से उसको ऑपरेट करवाते हो तो उस नंबर को फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल एडिशन के हिसाब से जीरो जो है वो एक आइडेंटिटी है, आप जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दो उस नंबर को फर्क पड़ता है नहीं, जीरो को आप थ्री में ऐड करो थ्री रहेगा वो, जीरो को टेन में ऐड करो टेन ही रहेगा वो, तो टेन के अंदर अगर आप जीरो को ऐड करो टेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइव के अंदर जीरो को ऐड करो फाइव को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये आइडेंटिटी कैसा एलिमेंट होता है जो किसी नंबर के साथ ऑपरेट हो कोई फर्क ना करे कोई चेंज ना करे उसको, ठीक है। अब एडिशन के हिसाब से बात करो तो जीरो आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से बात करो तो वन आइडेंटिटी है, क्योंकि वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ उस नंबर को फर्क नहीं पड़ता। तो इसी बात को आप मतलब ये नोटेशन में कैसे लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एलिमेंट उठाया ए फॉर ऑल ए और ई बिलोंग्स टू एस, ये ई क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट को आप नॉर्मली ई से रिप्रेजेंट करते हो कि जो ई जो है वो भी सेट के अंदर होना चाहिए, अगर आप बोलते हो ना कोई सेट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कहने का मतलब उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर के अंदर आइडेंटिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, उसके अंदर जीरो मौजूद नहीं है। हाँ लेकिन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है उसके अंदर वन मौजूद है लेकिन जीरो नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ए और ई फॉर एग्जाम्पल बिलोंग कर रहे हैं एस से, तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप ए को ऑपरेट करवाओ ई से या ई को ऑपरेट करवाओ ए से बात एक ही होती है, रिजल्ट में ए ही आंसर आएगा, ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप टू प्लस जीरो लिखो या जीरो प्लस टू लिखो आंसर टू ही आएगा, तो जीरो यहां पर क्या होगी आइडेंटिटी, आप पॉजिटिव ऑपरेटर था तो आप एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हो। फॉर एग्जाम्पल वन है, वन को टू से मल्टीप्लाई करो या टू को वन से करवाओ आंसर टू ही आएगा, तो वन आइडेंटिटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब यहां पे एग्जांपल लिखी है, फॉर एग्जांपल जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, अगर आप रैशनल नंबर कंसिडर करते हो तो उसके अंदर आइडेंटिटी मौजूद है, किसी भी रैशनल नंबर को आप उठाओ उसको एड करो जीरो के अंदर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से लिखा हुआ यूनिटी वन मतलब इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के अंदर वन भी मौजूद है, किसी भी रैशनल नंबर को उठाओ वन से मल्टीप्लाई करवाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बता सेट नेचुरल नंबर हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, नेचुरल नंबर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो मौजूद नहीं है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मौजूद है मतलब वन मौजूद है लेकिन जीरो मौजूद नहीं है। इस तरह वेक्टर के अंदर जो नल वेक्टर है वो क्या होता है, वो आइडेंटिटी हो जाती है। अच्छा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो वेक्टर्स के अंदर नहीं होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी, जीरो नल वेक्टर जो है। अच्छा एक और चीज होती है आइडेंटिटी के अंदर के याद रखना, किसी भी सेट के अंदर एक ही आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी ज्यादा नहीं होती, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है पूरे रियल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा ऑपरेटर के हिसाब से बात कर रहा हूं, ये नहीं आप बोलोगे सर जीरो वन ये तो दोनों आइडेंटिटी होती है, नहीं मैं किसी एक ऑपरेटर की बात कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव कंसिडर करो तो पूरे रियल नंबर के अंदर एक ही आइडेंटिटी है जीरो। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बात करो पूरे नेचुरल नंबर के अंदर पूरे रियल नंबर के अंदर एक ही आइडेंटिटी है वो है वन, तो आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है पूरे सेट के अंदर,
किसी एक ऑपरेटर के हिसाब से एक ही मौजूद होती है, इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा उसके बाद इनवर्स प्रॉपर्टी पे आ जाओ। इनवर्स प्रॉपर्टी भी यही है कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, इसको इस तरह भी बोलते हो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ऊपर वाली को बोलते हो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि किसी सेट के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, किसी सेट के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अब इसको आप इस तरीके से लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल ए और ए इनवर्स बिलोंग टू एस, नॉर्मली किसी एलिमेंट के इनवर्स को आप ए इनवर्स लिख रहे होते हो, ठीक है, नॉर्मली ये लिखते हो, लेकिन ए इनवर्स स्पेसिफिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए यूज होता है, ठीक है, लेकिन जनरलाइज नोटेशन है, चलो बी कर रहा हूं, आपको मसला नहीं है, कंफ्यूज ना हो कि बी ए और बी दो नंबर हैं जो बिलोंग कर रहे हैं एस से, मतलब यहां पे मैं बी को इनवर्स ले रहा हूं तो वो भी सेट के अंदर होना चाहिए, तब आप बोलोगे यार वो सेट के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस प्रॉपर्टी को वो सेट सेटिस्फाई कर रहा है। और प्रॉपर्टी क्या है, याद रखना इनवर्स भी दो होते हैं, जैसे आपने एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी देखी है, इसी तरह इनवर्स भी दो होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है कि यार कभी भी आप किसी दो नंबर को ऑपरेट करवाओ, फॉर एग्जाम्पल टू को मैं किसी ऐसे नंबर से ऑपरेट करवाऊं कि रिजल्ट में जीरो आ जाए, मतलब आइडेंटिटी आ जाए, इन द सेंस क्या मैंने बात बोली है, टू को अगर आप किसी नंबर में एड करवाओ इस तरीके से कि रिजल्ट में आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि मैं पॉजिटिव डिस्कस कर रहा हूं ना, तो पॉजिटिव के हिसाब से आइडेंटिटी आ जाए। तो अब आप टू को ऐसे किस नंबर में एड करवाओगे, टू को अगर मैं माइनस टू में एड करवाऊंगा तो आंसर जीरो आएगा, तो आप बोलोगे टू का इनवर्स जो है वो माइनस टू है। इसी तरीके से माइनस फाइव लिखा हुआ है, माइनस फाइव को मैं किस में एड करवाऊं कि मेरे पास जीरो आ जाए, तो आपको पता है माइनस फाइव को अगर आप फाइव में एड करवाओगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो, इसका मतलब माइनस फाइव का इनवर्स जो है वो फाइव है। अभी मैं एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं, तो एडिटिव इनवर्स निकालना बड़ा इजी होता है, जो नंबर है उसको नेगेटिव कर दो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की अगर आप बात करो, तो फॉर एग्जाम्पल टू लिखा हुआ है, टू को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट में आइडेंटिटी आ जाए, अब देखो मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से आइडेंटिटी वन होती है, तो टू को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि आंसर वन आ जाए, तो आपको पता है टू को अगर आप वन अपॉइंट टू से करोगे तो आंसर जो है वो वन आ जाएगा, इसका मतलब टू का इनवर्स जो है वो वन अपॉइंट टू है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल माइनस फाइव है, माइनस फाइव को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट में वन आ जाए, तो माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करो माइनस वन अपॉइंट फाइव से या वन अपॉन माइनस फाइव कुछ भी कह लो, तो आपको पता है जब आप मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब माइनस फाइव का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, वन अपॉन माइनस फाइव। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को आप रेसिप्रोकल भी बोल देते हो, रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एक ही बात होती है, तो ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट होता है, एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दोनों मैंने बता दी। तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ये होती है फॉर एग्जाम्पल अगर ए जो है ए का इनवर्स बी है, तो जब आप ए को ऑपरेट करवाओगे बी से, और ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए को ऑपरेट करवाओ बी से या बी को ऑपरेट करवाओ ए से, रिजल्ट में आपके पास आइडेंटिटी आएगी जो आपने यहां पे देख ली, और प्रोवाइडेड कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये भी आगे मेंशन कर दो। अगर आप ये बात बोलते हो ना कि यार कोई सेट इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसके अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट काफी है, एसी बंद हो गया, ये स्टेटमेंट काफी है बताने के लिए कि वो तीसरी वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को, क्योंकि अगर किसी सेट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब लाजमी आइडेंटिटी उस सेट के अंदर होगी, क्योंकि इनवर्स की तो डेफिनेशन ही है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे या एड करोगे जो भी है रिजल्ट में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो उसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई हो रही है तो आइडेंटिटी लाजमी होगा, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। तो अगर किसी सेट में इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो लाजमी आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई होगी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसके अंदर मौजूद होगा। यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप सेट की बात करो कि कौन सा सेट जो है उसके अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर को आप कंसिडर करो, नेचुरल नंबर के अंदर सबसे पहली बात विद रिस्पेक्ट टू अगर आप पॉजिटिव बात करो तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कोई भी दो नंबर पकड़ो क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब एडिशन बाइनरी ऑपरेटर है नेचुरल नंबर के अंदर, एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता नेचुरल नंबर के अंदर, मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब नेचुरल नंबर के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करी तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, नेचुरल नंबर में फॉर एग्जाम्पल एक नेचुरल नंबर है 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है माइनस टू नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं कर रहा भाई, इनवर्स की तो शर्त सबसे पहली तो यही है ना कि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए उसके अंदर,
जब इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, माइनस टू इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब नेचर नंबर, पहली बात आइडेंटिटी भी नहीं है, और अगर आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी नहीं, ठीक है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बात करो तो आइडेंटिटी है, इसका मतलब इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर चौथी वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेशन की बात करें ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करो तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी वन होती है जो कि नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आप इनवर्स की बात करो तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू नेचुरल नंबर नहीं होता। इनवर्स प्रॉपर्टी की मैंने शर्त क्या बताई थी, इनवर्स उसी सेट के अंदर होना चाहिए, इनवर्स उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। ये बेशक आइडेंटिटी को कर रहा है, आइडेंटिटी है उसके अंदर, लेकिन इनवर्स ही नहीं है उसके अंदर। आप टू को वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट में वन तो आ जाएगा, वन बेशक नेचुरल नंबर के अंदर है, लेकिन वन अपॉन टू नेचुरल नंबर नहीं है ना, मसला है कि इनवर्स भी उस सेट के अंदर होना चाहिए। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हमने 10 पिक किया, 10 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/10, अगेन 1/10 कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो मसला यह है कि नेचुरल नंबर के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो चौथी प्रॉपर्टी है ना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो आइडेंटिटी भी नहीं है, तो दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी होगी तो ये डिस्कस करने का फायदा है, वरना तो इनवर्स डिस्कस करने का फायदा नहीं है। तो ये नेचुरल नंबर के अंदर बात है। अच्छा, इसी तरह होल नंबर की अगर आप बात करो, होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव अगेन आइडेंटिटी तक आ जाएंगे, क्योंकि जीरो होता है उसके अंदर, लेकिन इनवर्स में फंस जाएंगे होल नंबर। और होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अगेन वही बात, क्या आइडेंटिटी तक आ जाएंगे, वन है होल नंबर के अंदर, लेकिन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो होल नंबर भी मार खा जाएंगे। इसी तरह इंटीजर भी मार खा जाएंगे मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से, एडिशन के रिस्पेक्ट से नहीं, क्यों, क्योंकि इंटीजर के अंदर जीरो होता है, मतलब आइडेंटिटी है, तीसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया, शुरू की दो को तो करेंगे, चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करेंगे इंटीजर्स, क्यों, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। टू का इनवर्स क्या होता है, माइनस टू एक इंटीजर है। थ्री का इनवर्स क्या होगा, माइनस थ्री भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर जो है ना विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वो आइडेंटिटी भी होती है और वो इनवर्स भी होता है। तो इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बात करो मल्टीप्लीकेशन की, अगेन मार्क खा जाते हैं, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2, और 1/2 एक इंटीजर नहीं है। छोटे छोटे सेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बड़े सेट जो आप डिस्कस करते हो वो रैशनल नंबर है और विद्रियल नंबर है। इरेशनल को आप डिस्कस भी नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर पहली बात वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते। किसी भी दो इरेशनल नंबर को ऐड करो, रिजल्ट में इरेशनल नहीं आता, जनरली बात कर रहा हूं मैं, जनरली आ जाता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं आ रहा होता। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है हर कंडीशन में देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया एक रैशनल नंबर होता है -√6 और √6, क्या ये दोनों इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर की बात करो, ये दोनों इरेशनल नंबर है ना, ये दोनों मैंने इरेशनल नंबर के सेट से उठाए। अगर आप इनको आपस में ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो। जीरो क्या इरेशनल नंबर है, नहीं, जीरो तो रैशनल है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दो इरेशनल नंबर का सम आपने किया तो रिजल्ट इरेशनल नहीं आया। इसका मतलब एडिशन बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे इरेशनल। एसोसिएटिव को शायद कर लें, जब मेरे ख्याल में वो भी नहीं कर रहे हो किसी सिचुएशन में फंसे। और आइडेंटिटी तक तो आप आओ ही ना, क्योंकि आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव जीरो होती है, जीरो एक इरेशनल नंबर नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी वन होती है, वन भी एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर को तो आप कंसिडर नॉर्मली कर ही नहीं रहे होते हैं। तो इनके बाद जो मैंने नेचर होल इंटीजर के बाद जो डिस्कस करूंगा वो दो सेट है, रैशनल और रियल नंबर। रैशनल और रियल नंबर ये बहुत बड़े बड़े सेट है। किसी भी दो नंबर्स के दरमियान, आप दो रियल दो नेचुरल नंबर पकड़ो 2 और 3, इनके दरमियान इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर है। 2 और 3 के दरमियान आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर बना सकते हो, 2.1, 2.11, 2.21, 2.21, 2.21, 2.22, जितने बनाना चाहो बनाओ 2 और 3 के दरमियान, इनफाइनाइट मैनी आप बना सकते हो, 2.01, 2.001, 2.0001, कुछ भी बनाते रहो बैठ के। तो आप सबको खत्म कर रहे हो ना, आप तो रैशनल है। अगर इनफाइनाइट तक जा रहे हो तब आप कह सकते हो सर रैशनल है, लेकिन आप खत्म कर दो, चौथा बनाओ 2.00001, 2.00001, 2.00001, फिर 1 लगा दो। तो आप 2 और 3 के दरमियान बहुत रैशनल नंबर बना सकते हो। और रियल नंबर में तो बच्चों आपको बताया कि रैशनल इरेशनल सभी आ जाते हैं उसके अंदर। रियल नंबर तो बाप सेट है, उसके अंदर हर चीज कंसिडर हो जाती है। तो रियल नंबर और रैशनल नंबर ये दोनों इन सब प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव बात करो तो रैशनल नंबर हो गए, और रैशनल नंबर में अगर एग्जिस्ट करता है तो रियल नंबर में करेगा, क्योंकि रियल नंबर होता है रैशनल और इरेशनल।
तो जो बात रैशनल कंसीडर कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो रियल भी करेगा, क्योंकि रियल के अंदर सब रैशनल तो होते होते हैं, प्लस इरेशनल भी होते हैं, लेकिन रैशनल तो मौजूद है ना उसके अंदर। तो रैशनल के अंदर जीरो भी होता है, आइडेंटिटी पूरी हो रही है। रैशनल जो है उसके अंदर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, रैशनल के अंदर नेगेटिव आ जाते हैं, फ्रैक्शन आ जाते हैं, डेसिमल, इंटीजर, नेचुरल, हर कंसीडर आता है, हर चीज आ जाती है। और रियल नंबर के अंदर एक्स्ट्रा क्या होता है, इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, मतलब रैशनल होते हैं लेकिन उनके साथ इरेशनल भी आ जाते हैं। तो अगर आप रैशनल नंबर की बात करो, जीरो के अंदर मौजूद होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इनवर्स भी होगा। कोई भी रैशनल नंबर पकड़ो, 1/2, 1/2 का एडिटिव इनवर्स -1/2, वो भी मौजूद होगा उसके अंदर। तो कहने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव तो कोई मसला ही नहीं है, रैशनल नंबर के अंदर, रियल नंबर के अंदर, इवन इंटीजर्स के अंदर भी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव मल्टीप्लाई मसला नहीं होता, इंटीजर के अंदर मल्टीप्लीकेशन मसला करता है। तो क्या मल्टीप्लीकेशन रैशनल और रियल नंबर के अंदर भी करता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़े बड़े सेट है, तो जरा देख लेते हैं। आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करती है, रैशनल में भी रियल में भी 1-1 है, तो तीसरी प्रॉपर्टी तक तो आपका काम बन गया। मसला की चौथी प्रॉपर्टी मसला करती है, और सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो मसला कर रहा है। आप ये देखो, रैशनल नंबर और रियल नंबर का जरा लेवल आप निकालो, इवन रियल नंबर का लेवल निकालो, कितने बड़े सेट है। मैंने आपको जैसे बताया कि 2 और 3 के अंदर इनफाइनाइट मैनी रैशनल है, तो 2 और 3 के अंदर इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर भी होंगे, और ये दोनों रियल नंबर कहलाए जाएंगे। तो 2 और 3 के अंदर मैं सोचो कितने रियल नंबर है, और ये तो सिर्फ मैंने 2 और 3 डिस्कस किया है। आप बाकी बना लो रियल नंबर कितना बड़ा सेट है, रियल नंबर को हल्का दिया है तुम लोगों ने, तो रियल नंबर इतना बड़ा सेट है, लेकिन इतना जैसे होता है ना, जितना भी अमीर बंदा हो, बहुत पैसे हो, एलन मस्क जो है उसके अलावा तो कोई अमीर नहीं है ना इतना बड़ा, लेकिन एक ऐसी बीमारी लग जाए जो लाइलाज हो, मसला कर गया, आपका कोई पैसा काम नहीं आएगा। ये जो बॉडी है ना, ये अरबों की बॉडी जो आपके साथ लेके घूम रहे हो, वो अलग बात है, आप ना शुक्र हो, तुम वो कहते हो कि आप पैसे नंबर्स देख रहे होते हैं ना, 1,000 आया अच्छा कम है, 1,00,000 आया नहीं ज्यादा है, 1 करोड़ है यार ये तो बहुत ज्यादा है। कोई एनालाइज नहीं करता 1 करोड़ आने के बाद, अगर आपको ऐसी बीमारी लग जाए जिसमें 10 करोड़ लग जाए, क्या करोगे उस 1 करोड़ का, घर बेचने पड़ जाते हैं लोगों को, ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है। तो ये अरबों की बॉडी लेके घूम रहे हो, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं आज भी एग्जिस्ट करती हैं जो लाइलाज है, उनके इलाज ही पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप डिले कर सकते हो उसको, कुछ चीजें करते रहो, डिले होती जाएगी बीमारी, वो थोड़ा सा खून में रहेगा आपको, लेकिन बीमारी खत्म ही नहीं कर सकते अभी, क्योंकि कितनी तरक्की आपने कर ली, लेकिन अभी भी ऐसी बीमारियां एग्जिस्ट कर रही होती हैं। कहने का मतलब ये कि अरबों की बॉडी है आपकी, तो इतने अगर आपके पास पैसे हो, लेकिन अगर एक बीमारी आपको ऐसी लग जाए, तो वो जितने पैसे हैं सब वेस्ट हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा उनका। तो वही चीज है कि रियल नंबर इतने बड़े सेट है, लेकिन एक बेचारा अदना सा एलिमेंट है जो पूरे रियल नंबर को जीरो कर देता है, कि वो इस इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, और वो क्या है, हमारा और आपका प्यारा जीरो। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि देखो रियल नंबर में कितने एलिमेंट्स हैं, सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। रियल नंबर में 2 उठाओ 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 मौजूद है, 3 उठाओ 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, 1/3 उठाओ 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3, सबके मौजूद है। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/0, और 1/0 कोई भी नंबर नहीं है। 1/0 मैथ के अंदर अनडिफाइंड फॉर्म कहलाई जाती है, किसी नंबर के बराबर नहीं है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप ये स्टेटमेंट देते हो कि रैशनल नंबर और रियल नंबर ये इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। बाकी जो सेट है उनमें सेंस बनती है ना, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है, इंटीजर के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लिकेटिव, 2 का 1/2 नहीं होगा, 3 का 1/3 नहीं होगा, लेकिन रियल नंबर रैशनल नंबर के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव। सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जीरो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और इस एक एलिमेंट की वजह से आप, मैंने बताया था एक भी मसला करेगा आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो आप ये मेरे स्टेटमेंट देते हो यार कि रैशनल नंबर और रियल नंबर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी को, मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, इसमें एक एलिमेंट ऐसा जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप जनरलाइज ये बात बोलोगे कि इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते। तो दैट्स व्हाई कभी हमने हल ये निकाला होता आपको ये चीज नजर आएगी, या तो क्यू के ऊपर लिखा होगा इस तरह स्टेरिक छोटा सा, या रियल नंबर के ऊपर स्टेरिक छोटा सा लिखा होगा, इसका मतलब होता है नॉन जीरो रियल नंबर। याद रखना, जब स्टेरिक ऊपर हो ना, इसका मतलब होता है नॉन जीरो रियल नंबर, इसका मतलब होगा नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो का मतलब जिनके अंदर जीरो ना हो, मतलब सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर, सारे नेगेटिव रैशनल नंबर जीरो ना हो। तो अगर आप ये सेट कंसीडर करो, अब ये इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर मसला जीरो कर रहा था। तो अगर इनको कंसीडर करोगे, तो आप ये सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस, सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे।
या तो इस तरह कभी आ जाते हैं या इसके ऊपर अगर इस तरह लिखो आर पॉजिटिव तो ये तो सिंपल होता है कि पॉजिटिव रियल नंबर, अगर आर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब नेगेटिव रियल नंबर। लेकिन अगर इस टाइप का स्टाइलिंग से छोटा सा आ जाए ऊपर समझ जाना कि नॉन जीरो की बात की जा रही है। इसी तरीके से अगर आप बात करो मैट्रिसेस के अंदर, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 3x3 की मैट्रिसेस की बात करो तो क्या वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, शुरू की दो को तो कर रहे हैं। क्या आइडेंटिटी एक्जिस्ट करती है? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? नल मैट्रिक्स। तो अगर आपने कंसीडर किया सेट M3 का, M3 मतलब 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसके अंदर एक नल मैट्रिक्स भी तो होगी ना 3x3 की, 0 0 0 0 0 0 0 0, दैट्स व्हाई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। उस मैट्रिक्स को किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स में ऐड करोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। और इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, कोई 3x3 मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास देखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव कर दो, ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सवाल ये कि इसका एडिटिव इनवर्स 3x3 का है? हाँ, इसका एडिटिव इनवर्स भी 3x3 का है। इसका देखो M3 का मतलब हर 3x3 के मैट्रिक्स कवर हो जाएगी इसके अंदर, तो इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव तो कहानी ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बात करते हैं, आइडेंटिटी एक्सिस्ट करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है जिसको आप यूनिट मैट्रिक्स कहते हो, जिसका नाम ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वो जो नाम आपने पढ़ा है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, ये जहन में रखना। तो आपको पता है 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप तीसरी वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हो। सवाल है कि क्या चौथी वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हो? नहीं, क्यों? क्योंकि 3x3 हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लिकेटिव। आपने पढ़ा था ना कि सिर्फ वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, जिसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हो, सिर्फ उन्हीं का इनवर्स पॉसिबल है। क्योंकि 3x3 में ऐसी भी तो मैट्रिक्स है जिनका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, जो मैंने मैट्रिक्स लिखी थी ना इसका डिटरमिनेंट निकालना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप देखना इसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, मतलब इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूं। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसका मतलब वो इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो बच्चों ये मैंने कंपैरिजन सारे बता दिए, एक चौथी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी में डिस्कस करता हूं, मैं टॉपिक को खत्म कर दें, और वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों बेसिकली होता है कि यार ऑर्डर को फर्क ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दो एलिमेंट उठाए ए और बी सेट एस से, उनको आप ए स्टेरिक बी करो या आप उनको बी स्टेरिक ए करो, रिजल्ट सेम आना चाहिए, इसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, और इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कितने सेट कम्यूटेटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेटर, हाँ एक सेट अलग से रैंडम कंसीडर किया हुआ उसका, तो ठीक है। मैं आप जैसे बता देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मली रियल नंबर के अंदर सेटिस्फाई होगी, रियल नंबर इन द सेंस इंटीजर्स के अंदर सेटिस्फाई हो रही होगी। कोई भी दो इंटीजर पकड़ो, फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 1 एक ही बात है, 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 एक ही बात है, आप किसी और सेट को पकड़ो एक ही बात होती है। मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से भी एक ही बात है, रियल नंबर के अंदर कोई इशू नहीं होता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती है। डिवीजन फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करोगे तब मसला होगा, क्योंकि आपको पता है 1 डिवाइड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1, तो डिवीजन मसला करेगा, अगेन सब्ट्रैक्शन मसला करेगा, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये तो रियल नंबर के अंदर बात कर लिया हमने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैट्रिसेस की बात करो तो मैट्रिसेस में एडिशन अगेन कम्यूटेटिव है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, अगेन पहले एडिशन पॉसिबल हो मैट्रिसेस के अंदर, जब ये हम ये बात बोलते हैं इसका मतलब पहले पॉसिबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है तो वैसे भी आप ऐड नहीं कर सकते उनको। तो अगर एडिशन के काबिल है तो ए प्लस बी बी प्लस ए बराबर होते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं है मैट्रिसेस के अंदर, क्योंकि अगर आप किसी मैट्रिस ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से करो तो जनरली इक्वल नहीं होते, मैंने आप लोगों को पहले समझाई थी ये बात। तो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती हैं, डिवीजन तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता मैट्रिसेस के अंदर, और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो दोनों डिफरेंट बात है। तो मैट्रिसेस के अंदर भी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेटर, एडिशन का डिस्कस कर लिया उन्होंने। अच्छा जी, मल्टीप्लीकेशन में लिखा है डॉट प्रोडक्ट, हाँ मल्टीप्लीकेशन में अगर आप बात करो वेक्टर्स की तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं, आप ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो बात एक ही होती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है, मतलब बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी बोल दो या ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए बोल दो, लेकिन पहली बात इक्वल नहीं होते, साइन उनके चेंज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होता।
लिखा हुआ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज कमोटेटिव ऑपरेटर बट नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर। डॉट प्रोडक्ट से बाइनरी ऑपरेटर नहीं है ना, बाइनरी ऑपरेटर इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो यूजिंग डॉट प्रोडक्ट तो रिजल्ट में आपके वेक्टर नहीं आता, रिजल्ट में स्केलर आ रहा होता है। तो मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट है बिल्कुल बाइनरी ऑपरेटर, क्यों? क्योंकि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो रिजल्ट में वेक्टर ही आता है, क्योंकि दो वेक्टर को पिक किया वेक्टर वाले सेट से तो आंसर में वेक्टर आना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेटर ही तो आपने पढ़े थे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में करते हो रिजल्ट में स्केलर आता है। दो वेक्टर उठाए रिजल्ट में स्केलर आ रहा है, मतलब वेक्टर नहीं आ रहा है, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे वो। तो ये पांच प्रॉपर्टी है बच्चों, थक गया थोड़ा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर है, ये मेन प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। रियल नंबर के हिसाब से मैंने बताई है, मैट्रिसेस के हिसाब से बता दिए हैं, कभी मैंने उसके हिसाब से बता दिया क्या कहते हैं वेक्टर के हिसाब से, कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया था। ये एडिटिव और आइडेंटिटी इनवर्स की मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से बताई थी कि क्या चीजें होती हैं, क्या सब चीजें होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर आपने समझना चैप्टर 2 में मैंने बताई हुई थी बातें। रियल नंबर मैट्रिसेस इनके हिसाब से मैंने अभी बता दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का उसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।